पांच महीने पहले बातचीत हुई उससे, रात के 2-9 बजे मेरी बात हुई थी। सुना छुट्टी होने वाला था जी? छुट्टी वाला आने वाला, 1-15 दिन के बाद छुट्टी आने वाला था जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ जो मेरे बेटे के बारे में इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे के साथ सोए वो बेटे को, मुझे मेरे बेटे को क्यों मारा, किस वजह से? बॉर्डर पर मार जाता, दुश्मन से लड़ाई करते मार जाता, क्योंकि बच्चों का काम होता कुर्बानी देना, देश सेवा करते मार जाता, कोई दुख नहीं था। पर अफसोस मुझे ये है कि सोए हुए बेटे मेरे ने उसका कर्जा देना था, क्या देना था, क्या वजह था? अफसर ने इंक्वायरी करनी थी, अफसरों का काम होता, और अफसरों की बात यह है कि अफसरों के मुँह के सामने बेटा मेरे को गोली मारी गई है, और सुबह से लेके 5 बजे से कोई नहीं गया, 9-9:30 बजे जाओगे बेड से उठाया, 11 बजे आन के कमरे में बंद कर दिया। इस वक्त 5 मिनट हुए कि इस वक्त निकाल के यहाँ हॉस्पिटल में लाए, इस वक्त जो उसकी पोस्टमार्टम हो रही है। रिसीव किया है अबरार अहमद, सन ऑफ मोहम्मद कासिम, आर ओ कोठियाँ, कालाकोट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये सिपाही है 156 TA का। कोई इंसिडेंट हुआ सुबह फायरिंग का कैंपस के, उनके कैंपस के अंदर। ये डिप्यूटेड था टाउन कॉलोनी में। हमने बॉडी रिसीव की है, पोस्टमार्टम हमने किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाद में। तो क्या लगता है बॉडी में कितनी गोलियां? बॉडी में 3-4 बुलेट्स लगे हैं, चेस्ट में भी और अब्डोमिन में लगे। थैंक यू सर।